अपने पांच बाहुबल के द्वारा, अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश। इस देश के युवा अगर कौशल हो जाएं, तो ये देश विश्व का स्किल कैपिटल बन सकता है। इसी उद्देश्य और संकल्प के साथ नवंबर 2014 में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन किया गया। जुलाई 2015 में इस पहल को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत के द्वारा एक नया रूप दिया गया। उसके पश्चात कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने कौशल विकास के क्षेत्र में अनेक कारगर कदम उठाए हैं, जिनमें देश के सभी स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों का एक सूत्रीकरण सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। स्किल इंडिया ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता के क्षेत्र में सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स के प्रयासों को शीघ्र समायोजित करने की जरूरत को समझा है। इसी के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय की DDU-GKY स्कीम, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उस्ताद जैसी योजनाओं को स्किल इंडिया मिशन से जोड़ा जा रहा है, ताकि कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता और उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। पिछले 5 सालों में हर वर्ष 1 करोड़ युवा कौशल प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए हैं। 2015 में शुरू की गई कौशल विकास मंत्रालय की सबसे बड़ी और फ्लैगशिप स्कीम PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 3 से 6 महीने वाली अवधि के कोर्सेज करके लगभग 80 लाख युवाओं ने प्रशिक्षण पाया और रोजगार योग्य बन पाए हैं। पिछले 5 सालों में ये सफलता राज्यों की साझेदारी से ही प्राप्त की जा सकी है। PMKVY सरकार की एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, जिसमें राज्य निरीक्षण और कैपेसिटी बिल्डिंग में भारी सहयोग कर रहे हैं। अब तक PMKVY सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज्ड कंपोनेंट के तहत लगभग 800 करोड़ की राशि राज्यों और यूटीज को प्रदान की जा चुकी है। आज भारत की तकरीबन 97% स्किल्ड वर्कफोर्स बिना किसी मान्यता के असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी पूर्व कौशल को मान्यता के तहत इस वर्कफोर्स को अनुकूल प्रशिक्षण देकर RPL सर्टिफिकेशन द्वारा सरकारी मान्यता प्रदान की जा रही है, ताकि ये वर्कफोर्स भी देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसके साथ ही बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर कैटेगरी की शुरुआत कर RPL कार्यक्रम की पहुंच को सीधे एक सम्मानित एम्प्लॉयर से जोड़ दिया है। PMKVY के अंतर्गत युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए कई नए कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें मुद्रा योजना के तहत लोन, कौशल बीमा जैसी कई पहल शामिल हैं। ऐसे ही कई और प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने, उनमें तेजी लाने और उनकी गुणवत्ता के लिए आज स्किल इंडिया कई राष्ट्रीय मिशन्स और योजनाओं को भी सहयोग दे रहा है। भारत के दूर दराज क्षेत्रों के युवा भी PMKVY योजना का लाभ उठा सके, इसलिए हर जिले में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोला जा रहा है। इसके अंतर्गत 629 केंद्र खोले जा चुके हैं और आने वाले कुछ समय में देश के हर जिले में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कार्यरत होगा। ITIs यानी भारत की सबसे बड़ी टेक्निकल ट्रेनिंग की व्यवस्था को भी और कारगर बनाने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। वामपंथ प्रभावित 47 जिलों में स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इसके तहत 10 राज्यों के हर जिले में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और 68 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स SDCs और 9 राज्यों के 34 जिलों में प्रति जिला 2 SDCs की स्थापना की घोषणा की गई। इसके अलावा ITIs और SDCs का विभिन्न स्तर पर खोलने का प्रस्ताव भी है। दोहरी ट्रेनिंग प्रणाली को लागू करने हेतु सरकार प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर ITI में ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई, ताकि उद्योगों की जरूरतों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग कोर्सेज के माध्यम से पूरा किया जा सके।
इसके तहत 640 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। फरवरी 2018 में 5 NSTI हैदराबाद, बेंगलोर, हावड़ा, मुंबई और पानीपत में IBM इंडिया के साथ समझौते के बाद नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई है। नीति आयोग ने 117 जिलों की सूची बनाई है जहां स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं और गरीबी जैसी समस्याएं हैं। इनमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से प्रभावित क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाके शामिल किए गए। भारत सरकार इन क्षेत्रों में राज्य सरकारों के सहयोग से स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रही है। NAPS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम द्वारा हुनरमंद युवाओं को देश के बड़े कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग दिलाने का प्रावधान किया गया है। इन युवाओं के स्टाइपेंड का 1/4 खर्च भी भारत सरकार द्वारा उठाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से जुड़ें और अपने नए प्रारूप में NAPS 2.0 पढ़ाई के साथ साथ कमाई के अवसर भी उपलब्ध कराने जा रहा है। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के सीधी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से जुड़ने वाले युवाओं की बेसिक ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार 7,500 रुपए तक की आर्थिक सहायता भी देता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में भी कई व्यापक सुधार किए हैं। साथ ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की अधिकतम अवधि को 24 महीने से बढ़ाकर 36 महीने किया गया है। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को भी अब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया है। जन शिक्षण संस्थान GSS कार्यक्रम 1967 से NGO के द्वारा कार्यान्वित होता था, जिसे जुलाई 2018 से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री में स्थानांतरित किया गया। GSS का लक्ष्य समूह में निराक्षर, 8वीं पास और 12वीं पास के 15 से 35 वर्ष के युवा शामिल हैं। GSS का लक्ष्य समूह महिलाएं, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग हैं। GSS का उद्देश्य ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में घर घर वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग देना है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय रेगुलेटर के रूप में प्रमाणित किया गया है। भारत सरकार टेक्नोलॉजी के जरिए सेंटर अक्रेडिटेशन, डेटा कलेक्शन और मॉनिटरिंग पर भी काफी बल दे रही है। इसके अलावा ऐप के जरिए टाइम एंड जियो टैगिंग के साथ एविडेंस बेस्ड इंस्पेक्शन और रिपोर्टिंग भी की जा रही है। इसी के अंतर्गत सारे राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के कौशल विकास कार्यक्रमों को एक यूनिफाइड स्किल इंडिया पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। हुनरमंद और काबिल भारत की इस उभरती तस्वीर को दुनिया ने देखा अगस्त 2019 में रशिया के कजान शहर में हुए 45th वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल कंपटीशन में 48 युवाओं ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतियोगिता में भारत ने पिछले 10 वर्षों के अपने सभी रिकॉर्ड तोड़े। इस प्रतियोगिता में भारत ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 15 मेडालियन ऑफ एक्सलेंस जीते। इसी के साथ 63 देशों की इस प्रतियोगिता में भारत ने 13वां स्थान प्राप्त किया, जो कि इस प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार ने शुरू से ही उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सहज कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री युवा योजना उनमें से एक ऐसी ही पहल है। इस योजना से जुड़े लोगों को MSDE सरकार की मुद्रा योजना से भी जोड़ता है और अब नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड अपने 4थे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसके तहत युवा पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स को उनके असाधारण योगदान के लिए हर साल सम्मानित किया जाता है। अपने कौशल विकास के कार्यक्रम पर स्किल इंडिया ने विश्व के 20 से अधिक देशों के साथ साझेदारी की है। इनमें से एक है जापान के टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत साझेदारी, जिसके द्वारा भारतीय युवाओं को मार्केट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनके देश विदेश में रोजगार मिलने के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे ही कार्यक्रमों को गल्फ और अफ्रीका के देशों के साथ भी चलाने का काम चल रहा है।
आज संघर्ष और सफलताओं के 5 साल पूरे करने के बाद एमएसडीई नए सफर पर चलने के लिए तैयार है और अपने नए विजन के साथ साल 2025 तक की मंजिल पाने की घोषणा करता है। स्किल इंडिया का नारा कौशल भारत कुशल भारत आज देश के हर कोने में बदलाव की एक नई आवाज बन चुका है और हमारा विश्वास है कि वो दिन बहुत दूर नहीं जब भारत दुनिया की स्किल कैपिटल बनेगा और प्रगति और समृद्धि की एक नई राह पर अग्रसर होगा।